नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन कहते हैं हम संज्ञा को, और काइंड्स ऑफ नाउन संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। आपने हिंदी में संज्ञा की है, उसी को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। बच्चों देखो, ये है नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। ये है नाउन की डेफिनेशन, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल, राम, करनाल, टेबल एटसेट्रा। बच्चों देखो, पर्सन क्या है? पर्सन का मतलब होता है किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का नाम। प्लेस क्या है? आपका स्थान। थिंग क्या है? वस्तु। क्वालिटी क्या है? उसका गुण या दोष, उसका गुण जो भी है उसके अंदर। कंडीशन, कंडीशन क्या होता है? हालत, कैसी उसकी हालत है। एंड एक्शन, एक्शन होता है काम, उसका काम कैसा है, सच्चा है, ईमानदार है या चोर है, जो भी है वो उसका क्या हो जाता है? एक्शन हो जाता है। द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के किसी स्थान, किसी वस्तु, गुण, हालत या दशा और काम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखो, राम क्या है? राम किसी का नाम है, पर्सन हो गया। करनाल क्या है? प्लेस नेम हो गया। टेबल क्या है? मेज, थिंग हो गया, एटसेट्रा। और भी आप ले सकते हो इसके अंदर। तो ये है नाउन की डेफिनेशन, नाउन की परिभाषा। अब नाउन देखो कितने प्रकार की होती है। नाउन होती है 5 टाइप्स की। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 है कॉमन नाउन, नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 है मेटीरियल नाउन, नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों आज हम सिर्फ 2 ही नाउन पढ़ेंगे। देखो सभी, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों आपने सभी ने हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सुना होगा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या है इसका मतलब? अ प्रॉपर नाउन, एक खास नाउन यानी कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एक खास व्यक्ति को, खास स्थान को या किसी खास वस्तु की ओर इशारा करती है या के बारे में हमें बताती है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। बच्चों देखो, अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। बच्चों देखो इसके अंदर क्या है, अकबर एक किसी का नाम आया है। आपको पता है, आपने अकबर की कहानियां पढ़ी होंगी। अकबर जो था एक महान राजा था, तो इसका मतलब वो इंसान जो, वो अकबर राजा जो था कोई खास था, इसलिए क्या है उसका नाम अकबर, इसलिए क्या है प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। लेकिन किंग शब्द इसके अंदर एक ऐसा वर्ड है, अगर हम आप ओनली इसको किंग को देखते हो तो किंग जो है वो कॉमन नाउन का एग्जांपल होता है। लेकिन इस सेंटेंस में ये देख रहे हैं कि अकबर, अकबर नाम है, किसी पर्सन का नाम है, खास पर्सन का नाम है, तो इसलिए क्या है ये आपकी प्रॉपर नाउन हो जाती है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल है, दिल्ली इज द ऑफ इंडिया। अब दिल्ली क्या है? दिल्ली देखो बच्चों क्या है, इसी प्लेस का नेम है ये, तो ये भी क्या है पर्टिकुलर है, खास है ये। उसके बाद इसके अंदर इंडिया, एक इंडिया वर्ड ऐसा आया है जो वो भी क्या है एक पर्टिकुलर नेम है। तो क्या हो गया ये दोनों, इसके अंदर दिल्ली और इंडिया दोनों ही ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। अब देखो थर्ड नंबर है, टॉमी इज अ गुड डॉग। अब बच्चों इसके अंदर क्या है, टॉमी देखो ये भी किसी का नाम है, एक डॉग का नाम शो हो रहा है आपको, तो टॉमी क्या है, टॉमी भी एक प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। अगर हम इस पूरे वाक्य को देखें तो इसके अंदर डॉग वर्ड, डॉग क्या है, अब डॉग आपको पता है बहुत सारी वैरायटी के डॉग मिलते हैं, तो लेकिन यहाँ पे जो है पर्टिकुलर नाम भी कह रहा है, तो अगर हम ओनली इस डॉग वर्ड को देखते हैं तब ये कॉमन नाउन होता है। लेकिन हम इसको अगर पूरा सेंटेंस देखते हैं तो इसके अंदर टॉमी वर्ड जो है वो आपको प्रॉपर नाउन का आपका एग्जाम्पल हो जाता है। बच्चों अब है हमारा नंबर 2 पर है कॉमन नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, जातिवाचक संज्ञा। आपने सुनी होगी बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष जाति की ओर इशारा करती है, किसी विशेष जाति या क्लास के बारे में बताती है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखो इंग्लिश में क्या है इसकी डेफिनेशन, द नाउन विच कॉमन, कॉमन आपको पता है खास, टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड। तो क्या है, द नाउन, ऐसी नाउन विच इज कॉमन, जो कि कॉमन है टू एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल के लिए और थिंग होता है वस्तु के लिए,
सेम टाइप की, सेम काइंड की, यानी कि एक ही जाति की ओर जो इशारा करती है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब देखो बच्चों एग्जांपल से, बॉयज आर रीडिंग बुक्स। अब देखो बच्चों इसके अंदर जो बॉयज वर्ड है, बॉयज का मतलब है पूरी मैन जाति, यानी कि जो लड़के हैं वो किसी भी टाइप के, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, तो वो सारी क्या है बॉयज, एक पूरी जाति को संबोधित करता है ये, पूरी जाति के बारे में हमें बताता है बॉयज के बारे में, तो इसलिए ये क्या है आपका कॉमन नाउन। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, द गार्डन इज ब्यूटीफुल। अब देखो बच्चों गार्डन का है, गार्डन के अंदर आपको पता है सारी हर प्रकार के पेड़ पौधे फल फूल सब कुछ आ जाता है, तो क्या हो गया ये एक खास चीज, यानी कि कॉमन हो गया ये कॉमन। गार्डन चाहे वो छोटा है या बड़ा है, देखो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं बताया, तो इसलिए गार्डन जो है क्या है एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, यानी कि ये भी एक कॉमन नाउन है। नंबर थर्ड है, द काउ इज अ पेट एनिमल। देखो क्या है इसके अंदर काउ, अब आपको पता है गाय, काउ मीन्स होता है गाय, गाय कैसे है, काली भी होती है, सफेद भी होती है, भूरी भी होती है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा ये तो नहीं बताया गया कि कैसा है, तो सिर्फ ओनली काउ का है, काउ का मतलब एक जाति को दिखाती है ये, गाय की जाति, गाय की प्रजाति के बारे में दिखा रहा है ये, तो क्या है ये, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों अभी आपने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल देखे हैं, तो अब ये आपकी है होम असाइनमेंट, यानी कि आपका होमवर्क है, इसमें से आपने क्या करना है पिक आउट द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। आपने क्या करना है इसमें से जो प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है उसको क्या करना है अंडरलाइन कर देना है, और पी के जो प्रॉपर नाउन हो गया आपको या तो आप अपनी नोटबुक में उसको अलग से लिख लेंगे या इसी के ऊपर सर्कल लगाकर उसके ऊपर पी या सी से उसको मेंशन कर देंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सेकेंड सेंटेंस, द टीचर इज पनिशिंग गणेश। द गीता इज द सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। सैक्रेड होता है बच्चों पवित्र। द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर्स। प्लकिंग होता है तोड़ना और गार्डनर होता है माली। अशोका वाज अ फेमस किंग। फेमस प्रसिद्ध, अशोका किसी का नाम है, राजा का नाम है ये। द ताज इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताज ताजमहल को कह रहे हैं, ब्यूटीफुल सुंदर बिल्डिंग इमारत या भवन। द गंगा राइजेस इन द हिमालयाज। द रूम इज एयरी। द मून शाइंस चमकना एट नाइट। मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। बच्चों इसमें से आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो है चूज करोगे, और ये आपका होमवर्क है। थैंक यू बच्चों।